कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला ब्रह्मविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज कन्या वैष्णव वैष्णवी सभी को जता के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोगों ने अभी अभी श्री माधव महाराज से बड़ी अच्छी अच्छी महाराज एक श्लोक को तीन दिन तक व्याख्या की, इसलिए महाराज जी विद्या अलंकार है, इसलिए विद्या अलंकार है कि एक श्लोक को उन्होंने खूब उन्होंने व्याख्या किया है। तीन दिन तक एक श्लोक को उन्होंने सुनाए, और भी सुना सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी महाराज ने विश्राम इसलिए कहते श्री इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जगन्नाथपुरी का नाम अलग अलग नाम क्यों पड़ा। कहीं बताया श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, कहीं बताया नीलाचल क्षेत्र, कहीं बताया जगन्नाथपुरी, कहीं बताया संघ क्षेत्र और नीलाचल नीलाद्री बिहारी और बताया श्री क्षेत्र उच्चिष्ट क्षेत्र और बताया श्री क्षेत्र। कल इसी विषय में हम लोग श्रवण रहे कर रहे थे क्यों श्री जगन्नाथपुरी की अलग अलग नाम का क्या रहस्य है, इसलिए इसी विषय पर हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसलिए ये जैसे श्री वृंदावन धाम में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज है, बरसाना है, नंदगांव है, यहाँ पर भी उत्तर रूप में बताया गया कहीं ना कहीं के संस्थान यहाँ पर भी श्री विद्यमान है। जैसे वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गिरिधारी गोकुलानंद यहाँ पर भी सब ठाकुर यहाँ पर भी अलग अलग स्थान रूप में यहाँ भी विद्यमान है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जैसे किसी वस्तु का महत्व समझना तो मतलब तीन विषय को ऊपर में विवेचना करनी चाहिए, स्थान का और पात्र। इसलिए कल हम इसी विषय पर सुन रहे थे स्थान श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब श्री राधा रानी का प्रेम को तरह संपूर्ण प्लावित जो धाम है। काल कौन सा काल युग है, श्री कलि युग। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे इसको क्यों धन्य कलि युग क्यों बताएगा, धन्य कलि युग का क्या महत्व है। हम इसी विषय पर भी कल श्रवण किए, बोले पात्र पात्र मतलब जगन्नाथपुरी का तो धाम का महत्व था ही है, लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में आए और जो भाव को वो गोलोक वृंदावन में भी पूरी नहीं कर पाए वो इच्छा को उन्होंने कहाँ पर भूल दिया है, श्री क्षेत्र गंभीर राधिका भाव गंभीर वो गंभीर भाव को महाप्रभु ने श्री गंभीरा में ही उन्होंने आस्वादित किया। इसलिए महाप्रभु जब यहाँ पर आए और अपना परिकरों को साथ में लीला की, बोले परिकर कौन कौन, जैसे राधा को प्रभु सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, बोले क्यों वहाँ पर कृष्ण अपना स्वपक्ष गोपियों को द्वारा लीला करते हैं, उसी तरह महाप्रभु जब यहाँ पर आए स्वर्ग दामोदर राय रामानंद ये कौन कौन थे, ललिता विशाखा रूप गोस्वामी रूप मंजरी सनातन गोस्वामी लगभग मंजरी, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु सारी परिकरों को साथ में श्री गदाधर पंडित जो एक श्रीमती राधा रानी उन लोगों को साथ में महाप्रभु ने जो परिशिष्ट लीला है अवशिष्ट लीला उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने की है। इसलिए ये महाप्रभु लीला की इसलिए धाम की विशेष महिमा है और भी महिमा महाप्रभु की लीला की वजह से। महाराज ने आपको बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाई, जगन्नाथ जी ऐसे दारू ब्रह्म की बने। आपको मैं भी एक छोटी सी कथा सुना दी, इसलिए गुरुदेव ने जो रथ यात्रा ग्रंथ निकाले जगन्नाथ जी ऐसे क्यों हुए
उसमें उन्होंने तीन कारण उन्होंने बताए हैं, एक तीन कारण बताया और वो दारु ब्रह्म आकर के कहाँ पर लगा, यही पर लगा। जब नील माधव को दर्शन करने के लिए राजा गए, लेकिन वहां पर जाकर देखा नील माधव है ही नहीं। राजा ने सोचा शायद ये विश्वावसु जो सबर है, इसने शायद ठाकुर को कहीं गायब कर दिया, बोले इसको जल में बंद कर दो। आकाशवाणी हुई, बोले महाराज इसी स्वरूप से आपको और दर्शन नहीं होते, आपको मैं दारू ब्रह्म रूप में वहां लकड़ी रूप में बहते बहते में वहीं पर आऊंगा और मेरे रूप को तुम लोगों ने बनाना है। इसलिए वो दारू ब्रह्म कहाँ पर लगा, यही यही पर। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्मा इन्होंने इसलिए ये स्थान को उन्होंने लिया क्योंकि जगन्नाथ जी सबसे पहले यहीं पर आ गए हैं, इसलिए इसलिए इस स्थान का नाम चक्र तीर्थ है, क्योंकि वो दारू ब्रह्म में शंख चक्र गदा पद्म का उसमें चिन्ह रहता था। और गुरुदेव ने अपना अंतिम लीला भी कहाँ प्रकाश किया, यहीं पर, और यहीं पर क्यों किया, कारण है कि जो जगन्नाथ पुरी है ना ये विप्रलंब धाम है, ये विप्रलंब महाप्रभु यहीं पर उन्होंने यह रस को आस्वादन किया, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन है, यहीं पर ही राधा भाव से विभावित तो होकर के श्याम सुंदर मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मेरे प्राणनाथ कहाँ है। इसलिए महाप्रभु है इसलिए समुद्र को जमुना ज्ञान करते हुए कभी कभी महाप्रभु छलांग लगा दिए, रहते थे गंभीरा में है और वहाँ पर श्री गोविंद बाहर है, दरवाजा बंद है, लेकिन महाप्रभु पता नहीं कब कब दिन थी दरवाजा को पार करते हुए कब श्री यहीं पर आए और समुद्र को जमुना सोच करके राधा जी की बात में छलांग लगा दिए। अभी महाप्रभु के भक्तों को ढूंढ रहे हैं, महाप्रभु गए कहाँ, महाप्रभु गए कहाँ, कहीं दिख नहीं रहे। इसलिए महाप्रभु विशेष करके तीन जगह में उनको दर्शन मिलता था, एक तो कभी जगन्नाथ मंदिर के सामने, कभी बेहद सब हुए मतलब ये ग्रंथि अलग अलग हो जाता था, कभी कछुआ जैसे सारे शरीर अंदर में घुसड़ जाती थी, कभी जगन्नाथ मंदिर के सामने, कभी जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में रात में, जैसे जैसे राधा रानी श्याम सुंदर को ढूंढती थी उसी तरह पूर्णिमा रात में कभी कभी वहीं पर श्री श्याम सुंदर को महाप्रभु राधा जी के बाद में विभावित होकर ढूंढते थे। और कभी गुंडीचा मंदिर जहाँ प्रभु ठाकुर चले गए कभी कभी वहाँ मिलते थे, और कभी कभी महाप्रभु ये समुद्र को जमुना ज्ञान मान कर छलांग लगा दिए, लेकिन वहां पर जब मिले ही नहीं सब भक्त लोग यहाँ पर आए ढूंढ रहे महाप्रभु गए का महाप्रभु गए का। इतने में देखा एक व्यक्ति है भूत भूत हरि बोल निताई गौर ब्रह्मानंदे, एक व्यक्ति भूत भूत हरि बोल हरि बोल। बोले भैया ये तो विचित्र बात है। बोले क्यों विचित्र बात, कहते भूत कहाँ पर आता है, बोले जहाँ पर भगवान कीर्तन भजन नहीं है, नजत्र श्रवणादीनि रक्त ज्ञान स्वकर्म सु, जहाँ पर प्रभु का कीर्तन भजन नहीं वहीं पर भूत प्रवेश करता। लेकिन ये इधर कहता है भूत भूत, बोले हरि बोल हरि, अरे हरि बोलने से तो भूत खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर में तो विपरीत भाव है हरि बोल भूत। वो समझ गए कुछ चक्कर है, बोले भैया क्या बात है, बोले भूत 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 हरि बोल हरि बोल। तब ये कर रहे थे इतने में स्वरूप दामर एक थप्पड़ मारे हैं, जब थप्पड़ मारे तब भूत उतर गया, उतर गया तो बोले कहाँ पर भूत, बोले कहाँ पर देखा भूत, मैं नहीं जाऊँगा, बोले चलो हम चलते हैं। बोले क्यों, वो जो जेली था ना वो था जेली मतलब जो मछली पकड़ते हैं, उन्होंने समुद्र में यहीं पर है वो लीला की है, इसलिए जब उन्होंने समुद्र में जाल फेंका इसमें महाप्रभु हैं ये जमुना नदी को श्री समुद्र को जमुना मान करके महाप्रभु छलांग लगा करके और कृष्ण प्रेम में, हम कहते हैं ना जो प्रेम का जो लक्षण है हैं प्रेम का जो लक्षण है अगर पूर्ण रूप में कहीं मिलता तो श्री महाप्रभु।
अग्नियां में ही श्वेत कंप अस्त्र पुलक वैवर्ण वेपथु, ये जो जितना आठ लक्षण है केवल एक ही लक्षण एक व्यक्ति का धर्म हो सकता है, दो लक्षण एक साथ में नहीं। लेकिन महाप्रभु का अंदर में एक साथ में सारे भाव प्रकट होता था, सारे भाव राधा जी के अंदर में जो दिव्य उन्माद प्रलाप ये सब प्रकट होता था। इसलिए महाप्रभु तो एक मांस पिंडला जैसे वो जब निकाले वो मांस पिंडला निकला और उसमें जो शब्द हो रहा था मुंह से झाग निकल रहा था जैसे कछुआ, और महाप्रभु वो जब लाए और जाल का टच हो गया, अब जाल टच हो गया किसमें हो गया ये जेली को, महाप्रभु के अंदर में जो प्रेम इनके अंदर में ऐसे संक्रामित हुआ जाल को टच किया, वो जाल टच हो गया ये मछुआरा में, लेकिन इसकी हृदय में भी वो कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। बोले कहाँ पर, बोले वहां चलो, महाप्रभु यहीं पर देखे एक मांस पिंडला जैसे महाप्रभु पड़े हुए मुंह से झांक निकल रहे, फिर सारे भक्त यहीं पर मिल करके भगवान की कीर्तन करते हरे महाप्रभु बोले मेरे को क्यों बुलाया, मैं तो राधा कुंड में चला गया था और मैं राधा कुंड में जुगल सरकार को प्रिया प्रियतम को मैं जल विहार करते हुए दर्शन कर रहा था, वहां से मेरे को तुम लोगों ने क्यों बुलाए वहां से। मतलब महाप्रभु मंजरी भाव से लीला रस का आस्वादन कर रहे थे, मंजरी भाव से क्यों, लेकिन मंजरी भाव में सर्वोत्तम आनंद है, सर्वोत्तम आनंद इसी में ही है। इसलिए कृष्ण राधा रानी सखियों का सब भाव इनके अंदर में संचारित, उनके हृदय में ये सारे भाव होते हैं। यदि लीला कहाँ पर होगी, यहीं पर नहीं। इसलिए आप लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं ना, इसलिए महाराज गुरुदेव ने बहुत स्थान को ढूंढे, हम यहाँ पर भी एक अपना स्थान चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव यही स्थान को भी आग्रह क्यों, बल्कि ये स्थान अत्यंत भगवान की लीला भूमि, महाप्रभु जगन्नाथ सबका लीला भूमि यही पर है। इसलिए गुरुदेव ने चुन चुन करके यही जगह को लिए और यही पर भी गुरुदेव अंतिम समय में ये विप्रलम्ब स्थान में और विप्रलम्ब भाव में महाराज जी यही पर अंतिम लीला उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए जो जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ जी इतने महत्व क्यों है, ये जो स्वरूप है, ये जो स्वरूप जगन्नाथ जी जो स्वरूप है, इसलिए गुरुदेव ने जो तीन कथा को प्रकाश किया, एक कथा तो कैसे ये लकड़ी को यहाँ से लेकर गए और कैसे अनंत महाराणा रूप को एक कोई एक कारपेंटर आए बोले मैं 21 दिन में उसको बना दूंगा, दरबार घर को बंद करके रखो, लेकिन 14 दिन तक तो लकड़ी काटने का आवाज आया, लेकिन उसको साथ होगा रानी राजा को पीछे पड़ गई, बोले लगता है ये तो ऐसे ही देखने में वृद्ध थे, 14 दिन तक तो आवाज आ रही थी लेकिन आज अभी आवाज क्यों बंद हो गया, हो ना हो ब्राह्मण तो मर ही नहीं गया, फिर उल्टा ब्रह्मा क्या की पाप लगेगी, तो दरवाजा खोलो और खोल कर क्या देखा, जगन्नाथ ऐसे जगन पूछे ना ऐसे हाथ नहीं तैयार थी, इतने बड़े बड़े हाथ है, कहती जगन्नाथ जी ये एक तो ये साधारण कारण है इसकी, लेकिन इसका विशेष कारण किया है। इसलिए हमारे श्री श्री गौर गोविंद महाराज जो उड़ीसा के हैं, इन्होंने किसी पुराणी ग्रंथ से जगन्नाथ जी का किसी पुराना ग्रंथ से उन्होंने एक कथा को निकाला, जब वो कथा को हमारे महाराज जी सुने हैं ना, हमारे महाराज का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले क्यों, हमारे महाराज जी को नहीं रमन मंजरी राधा कृष्ण की राधा रानी की रमन मंजरी गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव विशेष करके हमारे गुरुदेव जी ब्रज भक्ति हैं, ब्रज भक्ति को विशेष पूर्वक भी ब्रज भक्ति को ऊपर में गुरुदेव उसी में विभावित तो गुरुदेव रहते, ब्रज की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाया करते थे। इसलिए गुरुदेव जब ये कथा को सुने
बोले भैया फिर तो ये मेरा हृदय की बात है, ये तो मेरी हृदय की बात महाराज ने दिलाया, बड़े प्रसन्न हो। वो कथा ऐसे है, एक दिन कृष्ण जब द्वारका में रहा करते थे, रहते थे द्वारका में, सोते हैं तो रुक्मिणी सत्ता मामा को पास में हैं, लेकिन रोते हैं वृंदावन, सोते हैं और सोते समय कभी-कभी रुक्मिणी की सत्ता मामा की कपड़ा खींचते हुए बोले हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखे तुम कहाँ हो, हे श्यामली हे धवली मैया जसोदा, इनके नाम को लेकर के दिन रात रोते थे कृष्णा हैं, दिन रात उसकी भाव में ब्रज भाव में विवाह भी करके रोते थे। इसलिए एक दिन कृष्णा ब्रज की याद करते करते, ब्रजवासियों की प्रेम को याद करते करते एक दिन कृष्णा बेहोश हो गए। जब कृष्णा बेहोश हो गए बोले भैया फिर इनकी होश कैसे आएगा। इतने में श्री नारद जी आए, नारद जी को बोले आप थोड़ी सी प्रभु का कीर्तन करो, ब्रज की कीर्तन करो, कीर्तन सुन करके इनकी होश आ सकता है। नारद जी ने कहा देखो मैं तो ब्रज का कीर्तन कर सकता हूँ, कृष्ण का तो होश आ सकती है, लेकिन कृष्ण तुम्हारी द्वारका में नहीं रहेंगे। क्यों? अभी वो वृंदावन की चिंता करते करते हैं, राधा जी की प्रेम की बात को चिंता करते करते अभी वो बेहोश हुए हैं। ब्रज का कीर्तन शुरू कर तो होश आएगा, लेकिन होश आते ही ना वो पूरा द्वारका छोड़ करके, तुम तो छोड़ करके कृष्ण वृंदावन चले जाएंगे, फिर क्या करोगे। बोले भैया बात सही है। बोले क्या किया जाए। बोले एक काम करो, हम तो कृष्ण को किसी तरह से हम वृंदावन ले जाते हैं, आज साथ में लेकर के फिर घुमा दिया करके कृष्ण को फिर वापस ले जाए जाएंगे। बोले एक काम करो, किसी एक व्यक्ति को भेजो पहले वृंदावन, जा करके वहां पर खबर दे कृष्ण आने वाले हैं ब्रज में और फिर कृष्ण को लेकर के आएंगे। बोले किसको भेजे। बोले श्री उद्धव जी को भेजो। बोले क्यों। बोले जो उद्धव है कहते प्रिशिना प्रवर मंत्री कृष्ण सदैत सखा और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्ध सखा, इसलिए उसका नाम है उद्धव, उद्गत तमा, जिससे संपूर्ण तमा निकलेगा, जो विशेष सत्व है हाँ भगवान की, ये भगवान के परामर्श देने वाले मंत्री है, सखा है और चले किसके हैं। बोले साक्षात बृहस्पति का ये चले है, बड़ा बुद्धि में तीक्ष्ण बुद्धि विचिकण बुद्धि और ये प्रेमातुर भक्त है, कृष्ण का सबसे बड़े भक्त श्री उद्धव जी, इसलिए श्री उद्धव जी को भेजा जाए, वो उनको समझा देगा। उद्धव जी ने कहा भैया मैं नहीं जाता। बोले क्यों। बोले पहले मैं एक बार जाकर देख चुका हूँ हैं, कृष्ण मेरे को भेजे थे ब्रज में ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए और सचमुच से मैंने वहाँ पर देखा कृष्ण जब से वृंदावन छोड़ करके गए कोयल कूकती नहीं, मयूर केका नहीं करते, घर में मकोड़े जाल बना दिए, मैया जसोदा तो बेहोश होकर के पड़ी हुई थी हैं, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक मैं याद खोलूंगा नहीं, खोलूंगी नहीं, और उनका आंखों से इतने अश्रु विसर्जन हो रहा था, वो नाली रूप में परनाल रूप में बह रही थी और गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, सारी ब्रज कृष्ण विरह में एकदम डूबा हुआ हमने देखा। सचमुच से कृष्ण को कितने ये प्रेम करते हैं, गोपियों की अवस्था देखा, राधा जी को भी अवस्था मैंने देखा है, कैसे एक कमल पुष्प के ऊपर पे राधा रानी लेप हुई, शरीर में कपूर अंगूर चंदन की लेप की है, लेकिन राधा जी के हृदय में ऐसे कृष्ण प्रेम की जो विरह की ज्वाला, वो जो आसन है कमल फूल का आसन, एक सेकंड में चुरचुर चुरचुर होते हुए हमने देखा, हमने देख लिया अपना आंखों से ब्रजवासियों का विरह और मैंने प्रतिज्ञा करके आया, क्या किया, जरूर मैं कृष्ण को ले करके ही आऊंगा। और मैंने आकर के कृष्ण को सारे बात भी सुना दी, कृष्ण तो थोड़ी समय के लिए आंखों से आंसू बहा रहे,
ब्रजवासियों का विरह को याद करके थोड़ी सी आंखों की आंसू बहाते हैं। जब चलने का बात करते हैं ना, जीव बोल अभी तक भी कृष्ण को बोले ले नहीं पाया, इसलिए अगर दो बार चला जाओ ना, बोले कृष्ण आ रहे हैं, बोले कोई झूठा फिर आ गए, कई झूठे आ गए, पहले बोल कर गया था लाऊंगा, अभी तक तो ला नहीं पाया, फिर बोलने के लिए आ गया, फिर बताओ, फिर किसी शरण से भी उनको अपना मुंह दिखाओ। बोले और किसको भेजा जाए, बोले ताऊ भैया को, ताऊ भैया को भेजो। जब ताऊ भैया को भेजे, बोले मेरी भी वही बात, मैं भी ब्रज में गया, मैं भी नंद बाबा का गोद में बैठा और अपना गोपियों को लेकर के राम घाट में रास भी करवाया, लेकिन अपना गोपियों को तो मैंने सांत्वना दी, लेकिन कृष्ण का जो गोपी उनको मैंने सांत्वना नहीं दे पाया। और इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा करके आया था, कृष्ण को जरूर मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी तक भी कृष्ण को लेकर के नहीं जा पाया। फिर अगर जाऊना बोलो कृष्ण आ रहे हैं, वृद्ध को वही झूठा फेरा, पहले बोल करके गया था, अभी तक लाए नहीं पाए, फिर वही झूठा बात बोलने के लिए आ गए। बोले भैया फिर किसको भेजा जाए, इतने में सुभद्रा राजी होती है, बोले मैं चलूँ, क्योंकि मैं स्त्री ना, अरे गोपियाँ स्त्री है ना, देखना स्त्रियाँ स्त्रियों का अंदर में अपने आप घुस जाएगी, है अपने आप घुस जाएगी और उनको बात कर लेती है, हृदय की बात को भी समझ लेती है, हैं स्त्री समझ आती है, कहते मैं चलूँगी। जब सुभद्रा राजी होती है, आप लोग को पता है पहले हिंदू घर की किसी लड़की को कभी भी अकेले बाहर जाने नहीं दी जाती थी, क्योंकि मर्यादा में रहा करती थी, मर्यादा में रहती थी। इसलिए माधव माल एक श्लोक भी बोलते हैं, कहते बचपन में विषद बोल रहे थे, बचपन में कहते पिता माता की अधीन में रहनी चाहिए, और जवानी बन जाए पति की अधीन में रहनी चाहिए, बूढ़ी बन जाए फिर पिता माता की बच्चों का अधीन में रहनी चाहिए। स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र रूप नहीं दी गई। एक उदाहरण दिया, स्त्री जाति कैसे जानते हो, कैसे जैसे आटा को गोंद दो ना, आटा को जैसे गोंद दो, जैसे अवस्था ऐसी, कैसे आटा को गोंद करके अगर किसी घर के कोने में रखो चूहा खाता है, अगर आटा को गोंद कर किसी छात को कर तो कौवा खाता है, पता चले स्त्री जाति है ना, है ये ऐसी अवस्था है। इसलिए स्त्रियों को हर समय अपना मर्यादा के अधीन में रहनी चाहिए, नहीं तो रावण उठा कर ले जाएंगे। इसलिए सीता जैसे क्या किया, सीता ने दो गड़बड़ी की थी, सीता ने क्या किया अपना जीवा चलाई, इसलिए गुरुदेव कहते थे हर चीज में हाथी है, हर चीज में हाथी, अंगुल में हाथी सीधा हो जाता है, हाथ में हाथी सीधा हो जाता है, कमर में हाथी बैठे है, बोले एक चीज में हाथी नहीं, किसमें नहीं, इसमें नहीं आती, ये जीवा में नहीं, इसलिए ये जीवा हर समय लपर 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 करती है, ये बोलती रहती है। और घर में जितने लड़ाई झगड़ा के कारण कौन है, महाभारत क्यों हुआ, द्रौपदी इतनी सी बोलती अंधा का बेटा अंधा हो गई है, सीता ने क्या बोलती, बस जब लक्ष्मण हैं जब मारी जी ने भगवान राम बाण मारे और वो तो राक्षस, बोले भैया लक्ष्मण, सीता ने कहा सुने हो भैया को अगर कोई विपत्ति आई जाओ, बोले प्रभु को अगर कोई विपत्ति आई नहीं सकती, भगवान ना है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, भैया मेरे को आपको रखवाली के लिए बोल कर गई, मैं नहीं जा सकता हूँ। सीता ने जीवा चलाया, क्या चलाया, अभी मैं समझ रही हूँ तो साथ में क्यों नहीं आया, ओ ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो मेरे से शादी करोगे, लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकता है, क्यों वो सीता का अपना माँ है ना, उन्होंने ये चीज को सहन नहीं कर सके, और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण रेखा को उन्होंने काट कर दे, बोले कभी भी इसको पार नहीं करनी। लेकिन सीता माता ने जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने दो चीज सिखाया, बोले कभी भी जुहा मत चलाया, फिर तो रामायण ने तो महाभारत हो गया। अब देखना घर में भाई भाई में क्यों लड़ाई हो जाती है, संसार संसार भाई भाई में नहीं तो पत्नियों की वजह से होता है, बात किसी ने उसको कुछ बोल दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, जीवा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही बात कुछ नहीं हुआ है, केवल जीवा से थोड़ी कोई जीवा थोड़ी सी फिसल गया। देखना भाई भाई परिवार परिवार में लड़ाई झगड़ा दंगा है,
और क्या करने नहीं चाहिए, ये लक्ष्मण रेखा को कभी मत पार करो, मतलब अपना मर्यादा से बाहर कभी मत जाओ। अरे क्या होगा, फिर रावण आएगा और उठा करके, रावण आकर क्या करेगा, हमें उठा करके ले जाएगा। इसलिए हमें इसी विषय पर हमें सावधान हमें रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री सुभद्रा जी बोले मैं चलूंगी, बोले नहीं हम किसी बहन को और किसी स्त्री को कभी हम बाहर अकेले जाने नहीं देते हैं। ठीक है, जब सुभद्रा अकेले चलेगी फिर तब ताऊ भैया बोले फिर मैं भी चलूंगा, बहन को कैसे अकेले छोड़ू। इतने में बोले एक काम करो, तीन रथ बनाओ। कितना रथ बनाएंगे, तीन। सबसे पहले बलदेव प्रभु बड़े भाई है ना, है वो गुरु स्वरूप है, इसलिए ताऊ भैया पहले जाएंगे और बीच में बहनी है, स्त्री है, इसलिए बीच में श्री सुभद्रा देवी रहेगी। अभी कृष्ण को होश आएगा, कृष्ण भी जाना चाहेगा, फिर कृष्ण के लिए भी एक रथ बनाओ। इसलिए कितना रथ बना है, तीन रथ है। इतने में श्री नारद जी वृंदावन के बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मधुर मधुर उन्होंने वृंदावन के उन्होंने सुंदर उन्होंने कीर्तन किया। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज दौड़े। जब दौड़े इतने में द्वारका वासियों ने कहा ताऊ भैया सुभद्रा देवकी वसुदेव का कृष्ण हमें पता था तुम अभी वृंदावन के लिए जाओगे, कोई चिंता मत करो, तो अकेले नहीं बलदेव प्रभु बोले मैं भी चलूंगा और श्री सुभद्रा देवी को भी अपना बहन को भी ले चलेंगे और तुम बिट्टी को ही चलेंगे। आप लोगों ने पांडी विजय देखे हो, टीवी में देखे होंगे, जो लोग गए थे वहां पर देखे होंगे ना पांडी विजय, जब जगन्नाथ जी को अंदर से लाते हैं हम लोग देखे होंगे नहीं, देखना जगन्नाथ जी कैसे आते हैं, कभी पीछे गिर जाते हैं, इसलिए कभी ऐसे गिर जाते हैं, देखे कि नहीं, कभी ऐसे गिर जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, बोले ऐसे क्यों, देखे कि नहीं जगन्नाथ जी जब आते हैं ऐसे ऐसे लुढ़कते, जैसे कोई शराब ही है ना, शराब पीता है, देखो शराब को लड़खड़ाते हुए चलते हैं। अभी उन्होंने शराब पी करके देखे, बोले कौन से शराब, बोले राधा रानी प्रेम की शराब, ब्रजवासियों का प्रेम की शराब को पी करके रखे, वो ये ऐसे के शराब है ना, हर नशा को धीरे धीरे उतरती है, लेकिन ये नशा नहीं उतरती है, ये नशा क्या होता बढ़ती है, ये नशा चढ़ती है,
अब दूसरे नचा उत्तर दिए को चलती है कि नशा, इसलिए कृष्णा ब्रज प्रेम में हैं एकदम डूबे हुए हैं, गिरते उठते पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे आते हैं और ला करके हैं। आप देखे होंगे जगन्नाथ जी जहाँ पर रुक जाते हैं ना पास वहीं रुक जाते हैं और उनको हिलाते रहते, वो हिलते नहीं क्योंकि जगन्नाथ जी को कोई को विश्वम्भर है ना, विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप है। देखे होंगे जैसे कोई है कोई मीठा में जैसे कोई चिट्ठी होता है ना, चिट्ठिया जैसे कितने चिट्ठी पकड़ करके उसको ले जाते हैं, ऐसे देखा होंगे पंडा जी चारी तरफ में रस्सी बांध कर चिट्ठिया जैसे चारी तरफ में पंडे को देखा इतने इतने मोटे मोटे इतने इतने मोटे मोटे आप देखे होंगे चिट्ठिया जैसे चारी तरफ पकड़ कर और जगन्नाथ जब टिक जाते हैं ना रुक जाते हैं बांस वही रुक जाते हैं। आप देखे होंगे जब वो ऊपर चढ़ते हैं ना वो एक जगह पर ऐसे 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 होते रहते हैं, एक इंच भी नहीं चलते हैं। बोले क्यों? बोले उनको हम नहीं चला सकते, जब उनकी इच्छा होना तभी वो चलेंगे, वो अपना इच्छा है चले, वो दूसरों की इच्छा से नहीं चलते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी ऐसे ही प्रेम में लुढ़कते लुढ़कते श्री रथ गोबर में बैठ जाते हैं और जब रथ गोबर में बैठ जाते हैं फिर जगन्नाथ जी को ले चलते हैं। जब ले चलते हैं आप लोग तो इतना उड़िया भाषा नहीं जानते हो, जगन्नाथ जी को जब ले जाते हैं ना वहाँ पर देखना दो रथ सारथी है जो एक लठिया ले करके देखना घोड़े को पास में वो बेत को ऐसे बेत उसका बेत लठी ऐसे ऐसे करता रहता है। आप लोग नहीं समझती हो, आप समझ नहीं सकते इतनी गाली गलौज करते हैं जगन्नाथ जी को, तो ऐसे किया तो ऐसे किया तो ऐसे किया, बड़ी गलती गलती गाली देते हैं जगन्नाथ जी को। आप तो समझते नहीं, हम उड़िया भाषा समझते हैं, इतनी गद्दी गद्दी गाली देते हैं ना आप समझ नहीं सकते। बोले क्यों? ये इसका रहस्य क्या? रहस्य है इनको अभी गोपियां उनको गाली गलौज करके दे जाती, ये तो एक रथ यात्रा है जगन्नाथ जी। दूसरा है जब ब्रजवासी कृष्ण को साथ में कुरुक्षेत्र में मिले हैं, जब कृष्ण गोपी और राधा रानी से मिले तब राधा रानी कहती है श्याम सुंदर आप भी वही कृष्ण मैं भी वही राधा हूँ, लेकिन जमुना किनारा में जहाँ सुंदर चंद्रमा का किरण जहाँ छिटकती है, जहाँ पर कलकल नाग से श्री यमुना नदी बहती है, जहाँ पर सुंदर कोयल कूकती है, मयूरके का बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर फूल जहाँ पर खिलती है, जब हम वहाँ पर निकुंज में मिलते थे जो आनंद है, आप वही कृष्णा हम वही राधा, आपका तक कोई ब्रज का चिन्ह है ही नहीं, बंसुरी कहाँ आपकी, मयूर मुकुट कहाँ, यहाँ तो राज भेष घोड़ा हाथी है, आपका अंदर तो कोई ब्रज का चिन्ह है ही नहीं। अगर हमें आनंद देना चाहते हो हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो, चलो हम आपको वृंदावन ले चलते, कौन ले जाते हैं? राधा रानी अपना हृदय में बैठा करके गोपियाँ उनको ले जाती हैं और गोपियाँ जाते समय ना उनको तरह तरह का गाली गलौज करती हैं, तो दो पाप का बेटे हो तुमने, वही काले हो वही भूत हो। उद्धव जी जब राधा रानी को देखा ना इतने बोले ये काले, खबरदार ये काले को साथ में प्रेम मत करो, जितने काले हैं ना सब धुरत है। सत्य सत्य युग में एक काले हुए बामन देव, वो भी तीन पग जमीन मांगे तो त्रिभुवन का राज्य लेंगे, जैसे कौवा खाता है और ठोकर मारता है ये इसे कौवा है। त्रेता युग में भी वही काले राम आए हैं, वो भी वेश किसका वेश धारण किया, उन्होंने वेश धारण कर लिया सन्यासी का, जटा युग है और वस्त्र कैसे वस्त्र है बलकल गौर भी वस्त्र, फिर स्त्री को साथ में लेकर चला, फिर धनुष इधर साधु वेश पर सारे उल्टा है सारे उल्टा, इसलिए ये भी सुपर्ण खाने इनके रूप देख करके आकृष्ट हो गए। बोले भैया स्त्रियों का कोई दोष है ही क्यों, किसी पुरुष सुंदर पुरुषों को देखेंगे वो तो स्वाभाविक रूप में आकृष्ट होएंगे, तू इतने सुंदर क्यों बनी, अगर तू इतने सुंदर नहीं होता है ना फिर तो आकृष्ट होती ही नहीं। इसलिए गोपिया कभी ताना मारती है ना, तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों में, इसलिए भैया इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। और उसने पति रूप में प्रार्थना की, अरे शादी नहीं करना तो नहीं करना,
फिर तुम नाक कान क्यों काट दिया, नाक कान क्यों काट दिया है? कहते इसलिए अभी वो भी ये भी यही काला है, कृष्ण भी काले हैं। बोले भैया ये काले से कोई प्रेम मत करो, इसकी बात मत सुनाए बराबर, इसलिए और कोई बात सुनाना तो सुनाओ उसकी बात ही छोड़ है। ऐसे ही गोपियां उनको ताना मारते मारते, ये काली थी उनको ताना, ये गोपियां कोई ब्रज भाव है ना, लेकिन ये पंडित लोग को ये बात पता ही नहीं क्यों गाली देते हैं जगन्नाथ जी को, कौन इनके सब रहस्य पता नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में आए, ये रथ यात्रा है क्या चीज, रथ यात्रा क्या है, क्यों रथ होती है, ये चीज को श्रीमान महाप्रभु ने आकर के उन्होंने प्रकाशित किया है। उसको पहले हाँ रथ में बैठा करके आप उड़िया पंडा को बोलोगे ना भैया जगन्नाथ क्यों जाते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं, कहते ये मासी वाड़ी, उनका मासी का वाड़ी है और हमारे उड़ीसा में तो पोड़ो पिठा है, पोड़ो पिठा जानते हो, पोड़ो पिठा से नारिकल फारिकल दे करके मीठा दे करके उसमें पिठा बनाते हैं, नीचे आग, नीचे आग ऊपर में आग, ये दोनों को देख करके पिठा बनता है, उसको पोड़ो पिठा कहते हैं। होगा तो नरे लोग अगर बनाएंगे तो, नहीं तो कोई उड़िया लोग तो बनाएगा अब खिलाएगा इसलिए हमारे उड़िया लोग बोलेंगे जगन्नाथ जी कितने लाख रुपया खर्चा करके कहाँ जाते हैं, मासी बाड़ी जाते हैं पोड़ो पिता करने के लिए, बस इनको इतना ही पता और कुछ बताई नहीं। लेकिन इसलिए मन महाप्रभु ने इसकी रहस्य को महाप्रभु उद्घाटन किया। हाँ देखो साधु संत कितने महिमा, देखो मैं पहले जगन्नाथपुरी में अपना गुरु जी के मठ में रहता था, 6 साल रहा जगन्नाथ रथ यात्रा करता था। लेकिन जब मैं पहला बार मैंने मथुरा गया मथुरा में गुरुदेव हैं हमारे महाराज जी, उन्होंने मथुरा में ये रथ यात्रा प्रसंग को उन्होंने करीब करीब 10-15 दिन तक महाराज की कथा बोली। जब मैंने रथ यात्रा कथा महाराज से सुना, मैं देखा साधु संत कितने महिमा भरे अनुभूति हुई है। यहाँ पर साक्षात रथ खेचता था, दर्शन करता था, लेकिन क्यों कहते हैं साधु संग करनी चाहिए, साधु संग में ही प्रभु की कथा सुननी चाहिए। जब मथुरा से हमारे महाराज से मैंने कहते 10-15 दिन तक उन्होंने रथ यात्रा के विषय पर ये रथ यात्रा किया है, गुंडिता मंदिर मार्जन किया है, क्यों ये रथ यात्रा होती है, गुरुदेव ने 10-15 दिन तक ये कथा सुनाया। जो रथ यात्रा गुरुदेव ने जो ग्रंथ निकाले ना उसको ही वहां पर दिया है, अद्भुत रूप में गुरुदेव ने कथा सुनाई। मेरे ये साक्षात अनुभूति हुई यहाँ पर रथ यात्रा में दर्शन करते हुए, रथ खींचते हुए जो हमें आनंद मिला था उस समय देखो करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिला गुरु जी से जब हमने कथा सुनी। इसलिए मेरे को अनुभूति हुई रथ यात्रा भैया क्या चीज, मैंने तो बता ही नहीं था। हाँ मेरे को पता था रथ में भगवान को देखो तो पुनर्जन्म नहीं होगा है, इसलिए ठाकुर इतने रहस्य हमें पता नहीं था, इतने सुंदर गुरुदेव ने कथा की। इसलिए जब श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेकर के कहाँ जा रहे हैं वृंदावन, उधर श्री राधा रानी कृष्ण विरह में दुखी होकर के कहते हे ललिते हे विशाखे और भी ये प्राण धारण नहीं कर सकते, आज प्राण छोड़ रहे, क्यों कृष्ण बोल कर कहते परसों आऊंगा, आज जाऊंगा कल सब कल मारूंगा और परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बोल करके परसों बीत गया, अभी तक तो वो कृष्ण नहीं आए, अभी तक मैंने इतना धीरज धारण किया और धीरज में धारण नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी अभी मैं प्राण त्याग कर रही हूँ, हे ललिते विशाखे काम करना, मेरे शरीर 5 चीज से बने हुई है, किति आप तेज वरुथ को, इसमें जो मिट्टी है ना कृष्ण जहाँ पर है आंगन में खेलते हैं ये मिट्टी को वही मिट्टी में वही मिला देना, कृष्ण खेलेंगे तो चरण स्पर्श मिलेगा, मेरे शरीर में जो हवा है कृष्ण जहाँ पर कृष्ण को पंखा में हवा करता है ना वो हवा में छोड़ देना, कृष्ण का शरीर में मैं हवा करूंगी, मेरे शरीर में जो पानी है कृष्ण जी से जहाँ जल विहार करते हैं उसे जल में ही छोड़ देना, कृष्ण का शरीर को मैं स्पर्श करूंगा, मेरे शरीर में जो अग्नि है कृष्ण जो विराज में अपना चेहरा को देखते हैं वहीं पर रख देना, कृष्ण स्वरूप दर्शन करेंगे। इसलिए मेरे जो 5 तत्व शरीर में कृति आप तेज मरु और वो है कहते हैं ये जो 5 तत्व को ऐसे ऐसे स्थान पर छोड़ना जैसे अंतिम समय में जैसे कृष्ण सेवा में लगभग में शरीर छोड़ रहे हैं, राधा रानी तो शरीर छोड़ने जा रही थी, इतने में जगन्नाथ रथ में चलते चलते जगन्नाथ जी
वहां पर पहुंच गए। जब पहुंच गए, जब पता चला ब्रजवासियों को कृष्ण आ गए, राधा रानी छवि छोड़ने जा रही थी, ललिता बोले राधे राधे श्याम सुंदर आ ही गए हैं। जिसे श्याम सुंदर के लिए इतने तो वो आ ही गए। राधा रानी बोले आ ही गए, बोले हाँ आ ही गए, बोले प्राण अभी मत छुड़ा करो, हाँ प्राण अभी मत छुड़ा करो, कृष्ण आ गए। इतने में जब कृष्ण वहां पर गए और राधा रानी को लेटते हुए, और कृष्ण विरह में जो व्यथित, इनके शरीर में जो दिव्य उन्माद राधा रानी के दर्शन की, इसको देख करके कृष्ण का जो शरीर आंख देख रहे इतने बड़े बड़े आंख हाथ गया। राधा जी की प्रेम को दर्शन करते हुए उनको धीरे 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 सारे शरीर पिघलना शुरू हो गया। पिघलते 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 आंख इतने इतने बड़ी हो गई, हाथ सबके सब अंदर में चला गया, प्यार अंदर में चली गई और जगन्नाथ जी की रूप धारण कर गई। जय जगन्नाथ महाप्रभु की। हर जोर से जय कर लेगा, प्लस श्री ताऊ भैया की, प्लस श्री कृष्णा कन्हैया की, प्लस श्री सुभद्रा देवी की, प्लस श्री सुदर्शन चक्र की, प्रदे प्रभु ऐसे बन गए, सुभद्रा भी ऐसे बन गई, सुदर्शन भी ऐसे बन गए। इतने में से नारद जी वहां पर प्रकट हुए और बड़े सुंदर नारद जी कीर्तन किए। कीर्तन करते करते भगवान की पुनः उनका अपने स्वरूप में आए। कृष्ण बोले नारद आज मेरे को बड़ा आनंद मिला, राधा जी को ब्रजवासियों से मिला। पता कल बता रहे थे ना, तब भी कोई चीज मांगो किसी को जब वो खुश हो हर चीज दे देंगे। बोले प्रभु नारद जी बताओ तुम आज क्या चाहते हो। बोले हे प्रभु आपका तो बहुत रूप हमने दर्शन किया, लेकिन ये जो रूप है आप ब्रजवासियों के प्रेम में, राधा जी की प्रेम में जो द्रवीभूत हुआ, ये जो रूप है प्रभु, ये रूप हमने कहीं नहीं देखा। अब इसी रूप को लेकर के श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल क्षेत्र में आप आपको पूजा मिलेगी। जो एक बार ये रूप को दर्शन करे, इसलिए कहते रथे वामनम दृष्ट्वा, रथ ऊपर एक बार दर्शन करे, जगन्नाथ जी को एक बार दर्शन करे, जैसे इस जगत में जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं पड़े, आपको भक्ति और प्रेम मिले। जब जो आपकी जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाए, उन्होंने वर मांगे तब भगवान प्रसन्न होकर वरदान दिया, और देख करके नारद जी को ऊपर वर को रक्षा करने के लिए, और आप हम जैसे अधम व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी के रूप धारण किया और रथ यात्रा करते हैं, और जिसका लाभ आज हम उठा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने, इसलिए श्रीमद महाप्रभु कहते पुरी में क्यों आए, इसलिए आए क्योंकि जो जगन्नाथ विग्रह कोई प्रश्न करते हैं ना, महाप्रभु कृष्ण तो राधा जी के भाव में विवाह कर, ये जगन्नाथ जी के तो द्वारका में लक्ष्मी को साथ में रहते, ये रूप को क्यों दर्शन करते हैं। बोले नहीं, इसलिए इसका जो पहला श्लोक है ना, कदाचित काल निमित्त विभिन्न संगीत तरल मुदाभिरिनाहि मदन कमला स्वादमत्व है। इसलिए ये रूप का वर्णन किया, कवि कृष्ण जब यमुना किनारा में भ्रमण करते हैं, श्री गोपियों का मुख कमल को दर्शन करते हुए, और जो उनकी मुख कमल के ऊपर में जैसे घुंघराले केस, केस नहीं जैसे कहते हैं कमल ऊपर जैसे भौंरा मड़ रहते हैं, उसी तरह कृष्णा ये गोपियों को दर्शन करते हुए जो उनको आनंद मिलता है, ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी नयन प्रतगामी भवत में सिरसी के पुच्छ जिनकी सर पर मयूर मुख हाथ में बंसुरी है, ये ब्रजभाव में महाप्रभु स्तुति करते हैं। इसलिए महाप्रभु ये रूप को दर्शन करते हुए वो जिस भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे, वो जो भाव है श्री जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथ जी को तो एक चीज देखो, जय जगन्नाथ महाप्रभु की। आप बताओ तो जगन्नाथ जी का रूप कौन सा रंग है, बोलो कौन बोल के जगन्नाथ जी का रूप कैसे रंग है, बोलो ये काले नहीं है, ये गोरे है। जैसे श्री महाप्रभु राधा जी की चिंता करते करते वो गौरव वर्ण धारण किए, क्या बोलो जगन्नाथ जी का मुख तो देख काला, लेकिन उनका शरीर को देख काला नहीं, हाथ देखो अंदर में तो गोरे, क्योंकि ये राधा जी की भाग में विभाग है, राधा जी की भाव में विभाग, इसलिए वो अंदर पूरा गोरे, केवल उनका मुंह काला है और पूरा शरीर गोरा है, क्योंकि राधा जी की भाव में ही ये विभावित हुए। इसलिए महाप्रभु इनको दर्शन करते हुए वही राधा प्रेम उनकी याद आ रहा, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो हम लोग श्री
गुरु जी के आत्मगत्य में श्री माधव महाराज जी के आत्मगत्य में आए और सबके सब जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन किए और माधव महाराज जी रथ खींचने के लिए गए रथ, लेकिन हम तक इसलिए मैं जिस भाई में नहीं गया ना हमारी वही स्थिति हुई। मैं बड़े जोर से दो बार मैंने फंस लिया था, दो बार घर पर डर से बोले भैया कीर्तन करेंगे, माधव महाराज जी को सिद्ध किया भी बड़े धक्का मुख में चिपक गए थे।